मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। राम लक्ष्मण और हनुमान जी के पात्र निभा रहे कलाकारों ने पहने मास्क। विदिशा के ग्यारसपुर में प्रतिवर्ष रामलीला और दशहरा भव्य रूप में किया जाता था। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते संक्षिप्त रूप में ग्यारसपुर के बस स्टैंड पर रामलीला का मंचन किया गया, जिसमें राम लक्ष्मण हनुमान जी का पात्र निभा रहे कलाकारों ने मास्क पहनकर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जनहित के लिए संदेश दिया। 1.5 से 2 दशक की पुरानी यादें ग्यारसपुर की बस स्टैंड में देखने को मिली। पहले इसी प्रकार ग्यारसपुर में रामलीला और दशहरा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। बालक माँ दुर्गा उत्सव समिति दुर्गा चौक के तत्वाधान में रामलीला का मंचन किया गया। अंत में भगवान राम ने 15 फीट के रावण के पुतले को नाभि में तीर चलाकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय हुई। इस कार्यक्रम स्थल में SDM विजेंद्र रावत, तहसीलदार सुनील शर्मा, थाना प्रभारी अनिरुद्ध पांडे, पुलिस अधिकारी और अमला मौजूद थे। इस कार्यक्रम में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा, सरकार की गाइडलाइन के तहत ही कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त रूप में कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने, जनप्रतिनिधियों ने और समाज सेवियों ने पूरा सहयोग किया। विदिशा से सीताराम कुशवाहा के साथ आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। अरे बेबा, होता है।